कांग्रेस अब बीजेपी के उन नेताओं के नाम उजागर करने की तैयारी में है जो कांग्रेस के विधायकों को लगातार प्रलोभन देने में जुटे हैं। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने इसके संकेत दिए हैं। सचिन यादव ने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है और कांग्रेस जल्द ही इस पर अपनी रणनीति तैयार करेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 114 से घटकर आज 90 विधायक कांग्रेस के पास हैं। भगदड़ की स्थिति मची हुई है लगातार, आखिर क्यों लगता है कि ये जो विधायक हैं ये टूट कर जा रहे हैं, बीजेपी इतना आसानी से इनको तोड़कर अपने पाले में ले जा रहा है? मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो प्रदेश की जनता है, जो आने वाले हमारे उपचुनाव है, उस चुनाव में निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी की इस तरह के हथकंडों को जनता बड़ी बारीकी से देख रही है और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से देश के लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो है ऐसे लोगों को, ऐसी सोच, ऐसे विचारधारा के लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जो बागी विधायक है उनका मुद्दा तो जाएगा ही, जिन बीजेपी के नेताओं ने अप्रोच किया, क्या उनके नाम को भी एक्सपोज करेगी? निश्चित रूप से आज ये जो अवैधानिक तरीके से इस तरह की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, इस तरह के जो हटकंडे अपना रहे हैं, प्रलोभन लालच देने का काम कर रहे हैं, खरीद फरोख करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो भी जो हमारे साथियों को प्रलोभन देने का काम करेंगे, उनको उनका उनका चेहरा जो है, उनका नाम जो है जनता के बीच में ला करके लाएंगे और उनको